मैं राशि कपूर, INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपर फास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें किसी को टारगेट करती है तो ये न्याय का उल्लंघन है। IPL के 13वें सीजन के मुंबई इंडियंस चैंपियन बने। मुंबई इंडियंस 5वें बार चैंपियन बने हैं। मुंबई ने 5 खिताब 8 साल के अंदर जीते हैं और इस साल मुंबई ने खिताब बचाने का कमाल किया है, यानी लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती है। पबजी खेलने वालों के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ रही है। पबजी ने दोबारा देश में रीलॉन्च की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। डेटा प्रोटेक्शन के लिए पबजी ने दुनिया के दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है। बहुत जल्द पबजी रीलॉन्च को लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। LEC पर कई महीनों से जारी तनातनी खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक एरिया से सेना पीछे हटाने पर राजी हो गए हैं। भारत और चीन 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे। सैनिकों की वापसी 3 फेज में होगी। समझौते के तहत दोनों देशों के सैनिक इस साल अप्रैल मई में तैनात वाली पोजिशन पर लौट जाएंगे। हालांकि सैनिकों की वापसी की तारीख के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस के मामलों में चिंता बढ़ा दी है। अब एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि लोगों को सतर्कता बढ़ानी होगी, तभी कोरोना के केस कम हो सकेंगे। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, इसका मुख्य कारण सुपर स्प्रेडर इवेंट जहाँ बड़ी संख्या में लोग बिना किसी सावधानी के इकट्ठा हो रहे हैं वो हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिवाली से पहले हुई ये अहम बैठक थी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि उत्पादन के 10 क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि 2 लाख करोड़ रुपये की होगी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने 19 सीटें पर तो कांग्रेस ने 9 सीटें जीती है। उपचुनाव में भाजपा को मिले जनादेश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मैंने राजभवन में राज्यपाल आनंदी पटेल से मुलाकात कर उपचुनाव में मिली सफलता और जनादेश से अवगत कराया। उन्होंने हमें उपचुनाव में जीतने के लिए बधाई दी। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में अब तक 80 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामले 5 लाख से कम हो गए हैं, जिससे भारत में कोरोना के हालात में सुधार होता दिख रहा है। दुनिया से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बहरीन के शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा अब नहीं रहे। इसकी आधिकारिक घोषणा बुधवार को शाही पैलेस ने की है। बहरीन के स्टेट न्यूज एजेंसी के मुताबिक शेख ने बुधवार की सुबह मेयो क्लिनिक अस्पताल में आखिरी सांस ली। खास बात है कि 84 वर्षीय शेख खाड़ी की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा थे। उनके अमरीका और पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब से भी काफ़ी मजबूत रिश्ते रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।